आपका क्वेश्चन है इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी से करेंगे, क्यूब की आइडेंटिटी से। तो हमारी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है देखते हैं हम। हमारी क्यूब की आइडेंटिटी है ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। तो a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इज 6 क्यूब, तो हमारा आ गया 6 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इज 20 एंड ए माइनस बी इज 6। ठीक है, ये वाले पोर्शन को इस साइड में लेकर आ जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 क्यूब प्लस 3 इंटू 20 इज 60 इंटू 6 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, 6 इज कॉमन इन बोथ, तो हम 6 को कॉमन लिख लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 60 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या हो गया, 6 इंटू 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 60 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 36 प्लस 60 इज 96, तो 6 इंटू 96 इज योर आंसर A3 माइनस B3। इसको सॉल्व करो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 9 जा 54 प्लस 3 इज 57, 576 इज योर आंसर फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब।